बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि काम फाइनली शुरू हो गया है. डांस दीवाने के ऑडिशंस होने वाले हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल द कंटेस्टेंट्स. हमारा शो एक में भी शो है जिसपे जनरेशन 3 होती है रियलिटी शोज में. और ये जनरेशन 3 को देखने भी मैं बहुत उतावली हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डांसिंग यू नो आफ्टर सर्टेन एज इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाते हैं वो नहीं कर पाते. लेकिन जब से डांस दीवाने सीजन 1 आया है तब से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं डांसिंग पे और उनको देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ. और इस बार हमारे एक जज चेंज हो चुके हैं. धर्मेश आने वाले हैं और राघव होस्टिंग करने वाले हैं. दोनों ही बेहतरीन डांसर्स हैं और हम सब चारों जो 3 जजेस और एक होस्ट जो है वो सब डांस दीवाने हैं. और इस बार डांस दीवाने में और एक बदलाव है कि सिंगल और डुओज नहीं सिर्फ ट्रियोज भी होंगे. ग्रुप्स भी परफॉर्म करने वाले हैं तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये सीजन. अर्जुन मिजलानी को कितना मिस करोगी क्योंकि आप दोनों का जो इक्वेशन रहा है ऑडियंस या बहुत मतलब इतनी मस्ती करते थे कि जब भी अर्जुन चाहता था डांस करने के लिए वो हमेशा राखी का गाना बजाते थे. तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू मिस दैट आई एम गोइंग टू मिस शशांक बिकॉज हम लोग हमेशा मूवीज के बारे में डिस्कस करते थे स्क्रिप्ट और क्या हो रहा है कौन सा गाना अच्छा है लेटेस्ट गाना कौन सा अच्छा है ये सब. तो आई एम गोइंग टू मिस ऑल दैट. One thing that impresses you, you know, जब आप किसी contestant को perform करते देखते, that one thing that you notice first. पर एक तो वो कितनी समझ है डांस की क्योंकि डांस बॉडी से होता है लेकिन फेस से भी डांस होता है. और वो कितना समझ है कि कौन से मूवमेंट में कौन सा एक्सप्रेशन देना है कब उसे सॉफ्ट करना है कब उसे लाउड करना है ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे परफॉर्मेंस को. और कभी कभी एक एक्स फैक्टर होता है जो हम बता नहीं सकते कि क्यों ये डांस बहुत अच्छा लग रहा है. वो जो एक्स फैक्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जी मैम इस बार कोविड की वजह से ऑडिशन नहीं हुए तो वो ऑडिशन का पूरा माहौल जो होता है जजेस के सामने वो कितना महत्व किया है. वेल ऑडिशंस होने वाले हैं और यहाँ पे हमने सोशल बबल बनाया हुआ है. सब टेस्टेड होंगे कोविड के लिए और मतलब पूरे प्रिकॉशंस लेके हम लोग ये सब कर रहे हैं. तो आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. मैम जैसे कि हम देख रहे हैं कि डांस में बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को अपडेटेड रखते हो नए नए फॉर्म्स के बारे में. कभी कभी क्या होता है कि जब मैं डांस दीवाने पे जाती हूँ बैठती हूँ कोई कंटेस्टेंट आता है वो डांस करता है तो पता चलता है ये कोई नई स्टाइल चली है अभी तो फिर उस स्टाइल के बारे में हम इंक्वायर करते हैं कि क्या स्टाइल है ये और कैसे कहाँ से आई. तो कभी कभी सरप्राइजेस भी मिलते हैं सेट पे हमें. लास्ट टू क्वेश्चन आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया ये पैंडेमिक में घर पे बैठना पड़ा हम सबको यू नो तो आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया सेट्स को. वेल मैंने बहुत कुछ किया इस लॉकडाउन में घर से ही किया. जैसे कुकिंग बहुत सारी की हमने. मेरे बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. मेरी मम्मी रहती है हमारे साथ उनके साथ एज अ फैमिली हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इस लॉकडाउन में. लोगों के लिए बहुत कुछ किया. एक अपॉर्चुनिटी मिली इस बार मेरी जो ऑनलाइन अकेडमी डांस विद माधुरी उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे फ्री क्लासेस किए ताकि लोग एंगेज रहें उन्हें करने के लिए कुछ मिले. दे कैन लुक फॉरवर्ड टू डूइंग अ डांस और लर्निंग अ डांस. बहुत सारे फ्री क्लासेस किए हमने उस पर. और मैंने एक गाना रिलीज़ किया अपना जो इंग्लिश में मैंने गाया था और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को आई हैव डेडिकेटेड इट क्योंकि आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि ऐसे मुश्किल मौके में अपने घर वालों से दूर रह के उन्होंने बच्चों से दूर रह के छोटे छोटे बच्चों से दूर रह के अपनी जान पर खेलकर उन्होंने सबको सबके लिए किया तो उनके लिए किया था. और तो ऐसे मैंने बहुत सारा कुछ किया घर से ही किया. मैम आपकी स्टाइल इस बार में क्या पर्सनल इनपुट्स रहने वाला है बिकॉज इट हैज बीन इंस्पिरेशनल यू नो जब भी ऑडियंस आपको देखती है. मैं चाहती हूँ इस बार मैं कुछ अलग यू नो क्या कहते हैं उसको अलग स्टाइल्स पहनूँ कुछ साड़ीज हो या चाहे वो घाघरा हो या कुछ भी हो कि थोड़ा सा उसमें कुछ अलग सा कुछ पेश करूँ. बस यही कहूंगी कि प्लीज आप डांस विद सर डांस प्लीज आप डांस दीवाने सीजन 3 जरूर देखें क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. ग्रुप्स भी होने वाले हैं इंडिविजुअल्स डुओज ट्रियोज और जनरेशन 1, 2 और 3 भी है और 3 भी बहुत
स्ट्रांग होने वाली है इस बार. सो प्लीज आप सब घर के लोग हैं, जो छोटे बच्चे से लेके जो नाना नानी है, दादा दादी है, सब आप देखिए हमारा शो, आप बहुत एंजॉय करेंगे. थ्रू एक्सप्रेशंस मैम अगर कुछ कहना हो तो बस लास्ट. अरे थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.